राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी काफी एक्टिव हैं। हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात का फोटो शेयर किया है। इस फोटो के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। निर्मल चौधरी सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल समर्थक माने जाते हैं। वहीं आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में सचिन बेनीवाल गठबंधन की खूब बातें हुई थी। वहीं नागौर सीट ऐसी है जहां से हनुमान बेनीवाल सांसद रह चुके हैं। इस बार इस सीट पर बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस की रजामंदी और हनुमान का साथ निर्मल को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर नागौर सीट का रण बेहद रोमांचक हो जाएगा। वैसे भी मिर्धा परिवार के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस जहां कमजोर है, हालांकि इस सीट पर कांग्रेस नेता वीरेंद्र चौधरी की दावेदारी भी बेहद मजबूत है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी काफी एक्टिव हैं। हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात का फोटो शेयर किया है। इस फोटो के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। निर्मल चौधरी सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल समर्थक माने जाते हैं। वहीं आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में सचिन बेनीवाल गठबंधन की खूब बातें हुई थी। वहीं नागौर सीट ऐसी है जहां से हनुमान बेनीवाल सांसद रह चुके हैं। इस बार इस सीट पर बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस की रजामंदी और हनुमान का साथ निर्मल को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर नागौर सीट का रण बेहद रोमांचक हो जाएगा। वैसे भी मिर्धा परिवार के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस जहां कमजोर है, हालांकि इस सीट पर कांग्रेस नेता वीरेंद्र चौधरी की दावेदारी भी बेहद मजबूत है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी काफी एक्टिव हैं। हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात का फोटो शेयर किया है। इस फोटो के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। निर्मल चौधरी सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल समर्थक माने जाते हैं। वहीं आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में सचिन बेनीवाल गठबंधन की खूब बातें हुई थी। वहीं नागौर सीट ऐसी है जहां से हनुमान बेनीवाल सांसद रह चुके हैं। इस बार इस सीट पर बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस की रजामंदी और हनुमान का साथ निर्मल को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर नागौर सीट का रण बेहद रोमांचक हो जाएगा। वैसे भी मिर्धा परिवार के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस जहां कमजोर है, हालांकि इस सीट पर कांग्रेस नेता वीरेंद्र चौधरी की दावेदारी भी बेहद मजबूत है।